जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। श्रीनगर में G20 इवेंट की सुरक्षा के लिए एनएसजी और मार्कोस को किया जाएगा तैनात। G20 इवेंट से पहले पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड दो और सुवानों को किया गया है होरिफाइड। कल चीन के विदेश मंत्री के साथ भारत के विदेश मंत्री कंडक्ट करेंगे बाइलेटरल मीटिंग। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तैनात इंडियन आर्म फोर्सेज और CAPF के पर्सनल को बिना केंद्र की सहमति के नहीं कर सकता है कोई गिरफ्तार। और रशिया ने यूक्रेन पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मारने का लगाया आरोप। इस महीने श्रीनगर में आयोजित होने वाले G20 इवेंट से पहले आज कुपवाड़ा में एक एनकाउंटर की रिपोर्ट सामने आई है। और अभी जैसे हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अभी तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक आज के इस एनकाउंटर में हमारी फोर्सेस ने अभी तक दो सुअरों को सफलतापूर्वक होरिफाइड कर दिया है। बाकी जो सर्च ऑपरेशन है वो अभी भी जारी है और इस मामले पर अन्य डिटेल्स आनी बाकी हैं। बाकी इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस ऑफिसर्स की तरफ से बताया गया है कि श्रीनगर में होने वाले G20 इवेंट्स की सुरक्षा के लिए इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्स यूनिट मार्कोस और भारत की एलीट नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी कि NSG को भी तैनात किया जाएगा। और ये फैसला अभी हाल ही में श्रीनगर में आयोजित की गई सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग के दौरान लिया गया है। और इस मीटिंग में सभी तरह के पोटेंशियल थ्रेट्स और उनको काउंटर करने के तरीकों को भी डिस्कस किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक G20 इवेंट की सुरक्षा के लिए मार्कोस को डल लेक पर डिप्लॉय किया जाएगा, जबकि किसी भी तरह के सुसाइड अटैक या फिर किसी ड्रोन अटैक को काउंटर करने के लिए जम्मू कश्मीर के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के साथ एलीट एनर्जी फोर्स को भी तैनात किया जाएगा। इसके अलावा घाटी में स्मार्ट बंकर्स का भी निर्माण किया गया जिनमें प्रोटेक्शन की मल्टीपल लेयर्स हैं। और न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने सिटी में करीब 44.44 लाख करोड़ रुपीज तक की कीमत वाले स्मार्ट बंकर्स का निर्माण करने के आदेश दिए थे। और इन स्मार्ट बंकर्स का निर्माण श्रीनगर के स्मार्ट सिटी मिशन के हिस्से के तौर पर ही किया जा रहा है। और इस अपकमिंग G20 इवेंट के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने इनविजिबल पुलिसिंग वाले टेक्निक को इम्प्लीमेंट करने की योजना बनाई है। और लगभग 600 के आसपास पुलिस पर्सनल को सॉफ्ट पुलिसिंग स्किल्स के लिए भी ट्रेन किया गया है। ट्रिब्यून की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल, HAL ऑफिशियल और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के ऑफिशियल्स मौजूद थे। और इसी मीटिंग के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने HAL के सामने अपनी बात रखी है कि इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि जो 83 तेजस मार्क बने फाइटर्स वाले डील है, तो उसके दायित्व को पूरा करने के लिए HAL हर साल कम से कम 16 तेजस फाइटर्स का प्रोडक्शन करे। बाकी इस रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल फरवरी से तेजस मार्क वन फाइटर्स की डिलीवरी शुरू होनी है। बाकी जो पास्ट में 40 तेजस मार्क वन फाइटर्स की डिलीवरी में जो देरी हुई, तो उसकी वजह से गलत इंप्रेशन पड़ा था, क्योंकि वो सभी 40 तेजस फाइटर्स दिसंबर 2016 तक डिलीवर किए जाने थे, लेकिन उनकी डिलीवरी इस साल फरवरी तक कम्प्लीट हो पाई है, यानी कि उनके शेड्यूल टाइम से लगभग 7 साल पीछे। और इसलिए इंडियन एयरफोर्स ने HAL को तेजस फाइटर्स का प्रोडक्शन कम से कम 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर तक करने के लिए कहा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में IDF फोर्स के एक ड्रोन के एक्सप्लोड होने की रिपोर्ट सामने आई है। और इस एक्सप्लोजन में 4 ड्रोन पायलट्स को बर्न इंजरीज हुई हैं और जबकि 2 पायलट्स की कंडीशन क्रिटिकल बताई जा रही है। यह घटना 27 अप्रैल को रात में करीब 8 बजे तब हुई जब 4 ड्रोन पायलट्स की एक टीम IDF फोर्स के ड्रोन की बैटरी को रिचार्ज करने का प्रयास कर रही थी। और ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक कंपनी ऑफिशियल्स का कहना है कि वे काफी लंबे समय से इस ड्रोन इंडस्ट्री में हैं और इस तरह के एक्सप्लोजन वाला ये पहला इंसिडेंट देखने को मिला है, जो काफी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। बाकी ये एक्सप्लोजन क्यों हुआ, इसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन क्या था, तो उसके बारे में अभी कोई डिटेल देखने को नहीं मिली है। इसके अलावा असम से भी एक दुखद खबर देखने को मिली है, जहां दरंगा फील्ड फायरिंग रेंज में हुए एक ब्लास्ट की वजह से CFN संदीप कुमार ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया है। और यह घटना कैसे हुई थी, उसकी जाँच के लिए आदेश दे दिए गए हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस वीर की आत्मा को शांति मिले और ये देश इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल से गोवा में SCO फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग शुरू होने वाली है, तो इससे जुड़ा अपडेट ये सामने आया है कि कल SCO मीटिंग्स के साइडलाइंस भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 3 बायलेटरल मीटिंग कंडक्ट करेंगे और इनमें से 2 बायलेटरल मीटिंग्स चीन के विदेश मंत्री और रशिया के विदेश मंत्री के साथ है। और जहां एक तरफ भारत चीन के विदेश मंत्री के साथ बायलेटरल मीटिंग कंडक्ट करने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन के सोशल मीडिया हैंडल वीवो पर भारत और चीन के बीच हुए गलवान वैली वाले क्लैश को लेकर कुछ नई तरह की पोस्ट देखने को मिली है, जिसमें कुछ खास तरह के हैशटैग चलाए जा रहे हैं, जैसे कि हैशटैग ट्रिब्यूट टू द 3rd anniversary ऑफ द गलवान वैली बैटल या फिर हैशटैग I haven't forgotten यू आर स्टिल हियर और इसी तरह के बाकी हैशटैग। अगर जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो गलवान वैली वाला क्लैश था, जिसमें हमारे 20 वीर वीरगति को प्राप्त हुए थे और जबकि चीन ने भी अपने 40 से अधिक सोल्जर्स को खोया था। हालांकि चीन की गवर्नमेंट ने हमेशा की तरह अपनी कैजुअल्टीज को छुपाने के लिए केवल 4 ही कैजुअल्टीज को स्वीकार किया था, लेकिन बाकी के अदर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने इस बात का खुलासा कर दिया था कि इस क्लैश में चीन की तरफ 40 से भी अधिक कैजुअल्टीज हुई हैं। और कुछ ऐसी भी रिपोर्ट सामने आई थी और जिनमें CCP के ही कुछ ऑफिशियल सोर्सेज के हवाले से दावा किया गया कि इस गलवान वैली वाले क्लैश में चीन ने अपने 42 सोल्जर्स को खोया था। और अब चाइनीज सोशल मीडिया वीबो पर चाइनीज यूजर्स द्वारा गलवान वैली क्लैश को लेकर जिस तरह के हैशटैग चलाए जा रहे हैं, तो वो इतना तो दिखाने के लिए पर्याप्त है ही कि इस गलवान वैली क्लैश में चीन को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और ये नुकसान केवल 4 सोल्जर्स के कैजुअल्टीज तक ही सीमित नहीं है।
कल 2 मई को इंडियन नेवी और एनएसटीएल ने सी किंग 42B हेलीकॉप्टर से एडवांस लाइटवेट टॉर्पेडो के ओवर ड्रॉप को सफलतापूर्वक कंडक्ट किया था और टॉर्पेडो को सेफली ड्रॉप करने के लिए इसमें एनएसटीएल द्वारा स्वदेशी तौर पर डिजाइन और डेवलप किए गए सेफ रिलीज एंड सेपरेशन का इस्तेमाल किया गया था और ये सफल टेस्ट इंडियन नेवी के लिए मिड ईयर एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेपन्स में आत्मनिर्भर बनने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा एक अपडेट ये भी है कि इंडियन नेवी के फॉर्मर चीफ एडमिरल करमबीर सिंह को नेशनल डिफेंस के मामले में भारत और जापान के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए जापान की सरकार द्वारा द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें द इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया कि केंद्र सरकार ने यूनियन टेरिटरीज जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तैनात CAPF और इंडियन आर्म फोर्सेज के पर्सनल को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करने वाले प्रावधान को और एक्सटेंड करने का फैसला लिया। रिपोर्ट के मुताबिक आर्टिकल 370 के हटने से पहले जम्मू कश्मीर में रणबीर पीनल कोड 1989 लागू होता था, लेकिन फिर जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया तो उसके हटने के बाद लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से गृह मंत्रालय के सामने एक प्रस्ताव लाया गया था और इस प्रस्ताव के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तैनात इंडियन आर्म फोर्सेज के ट्रूप्स को लाइन ऑफ ड्यूटी पर बिना केंद्र सरकार की सहमति के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था और पहले यह प्रावधान केवल इंडियन आर्म फोर्सेज के ट्रूप्स के लिए था, लेकिन अब इसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तैनात सभी फोर्सेज के लिए एप्लीकेबल किया जाएगा। हालांकि ऑफिशियल्स के मुताबिक अभी भी किसी भी पर्सनल के खिलाफ लीगल केस को रजिस्टर किया जा सकता है, लेकिन अगर उसे गिरफ्तार करना है तो फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को और लीगल प्रोसेसेस फॉलो करनी पड़ेंगी। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ा एक बड़ा अपडेट ये निकल के सामने आया है कि आज रशिया की तरफ से यूक्रेन पर आरोप लगाया गया कि यूक्रेन ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को टारगेट करने के उद्देश्य के साथ क्रेमलिन पर ड्रोन से हमला करने की कोशिश करी थी और इस मामले पर आज बुधवार को क्रेमलिन की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की गई है उसमें बताया गया कि उन्होंने यूक्रेन द्वारा लॉन्च किए गए 2 ड्रोन्स को शॉट डाउन किया और यूक्रेन पर आरोप लगाया कि ये ड्रोन्स उन्होंने रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मारने के लिए भेजे थे और इन ड्रोन्स को शॉट डाउन करने वाली वीडियोस भी जारी की गई हैं जो कि आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि क्रेमलिन 9 मई को आयोजित होने वाली अपनी एनुअल विक्ट्री डे परेड की तैयारी कर रहा है और क्रेमलिन पर जो ये ड्रोन से हमला किया गया ये कल रात को हुआ है और आपको ये भी स्पष्ट कर दें कि कल जब ये हमला हुआ तो उस समय रशिया के राष्ट्रपति क्रेमलिन पर नहीं थे और इस ड्रोन को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स की मदद से न्यूट्रलाइज किया गया। तो इस पूरे मामले पर यूक्रेन ऑफिशियल्स की तरफ से भी स्टेटमेंट देखने को मिली है जिसमें यूक्रेन की तरफ से ये कहा गया कि क्रेमलिन पर जो ये ड्रोन अटैक हुआ है तो इससे इनका कुछ भी लेना देना नहीं है, यानी कि ये उन्होंने नहीं कराया। और बाकी रशियन न्यूज़ एजेंसी की तरफ से बताया गया कि इस हमले की वजह से रशिया के राष्ट्रपति का वर्किंग शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया गया, वो जैसे चल रहा था वैसे चलता रहेगा और इसके साथ ही रशियन ऑफिशियल्स की तरफ से ये भी कहा गया कि अब रशिया भी जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है क्योंकि वो इस हमले को एक आतंकवादी हमले की तरह मानता है, क्योंकि ये जो ड्रोन था ये रशियन राष्ट्रपति की रेजिडेंस के ऊपर शॉट डाउन किया गया जो कि आप वीडियो पर भी देख सकते हैं। और जबकि क्रेमलिन के प्रवक्ता की तरफ से ये भी कहा गया है कि रशियन राष्ट्रपति अभी वर्तमान समय में मॉस्को के पास अपने रेजिडेंस से वर्क कर रहे हैं और उनके शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं है और बाकी जो ड्रोन शॉट डाउन किया गया इससे किसी भी तरह की कैजुअल्टीज या कोई और डैमेज नहीं हुआ है और रशिया इसे एक प्री प्लान टेररिस्ट एक्शन की तरह कंसिडर कर रहा है और इसे रशियन राष्ट्रपति के खिलाफ किया गया एक प्रयास भी मान रहा है। और ये घटना विक्ट्री डे परेड से पहले हुई है और ये जो परेड है रशिया के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है क्योंकि इस परेड में कई फॉरेन गेस्ट के प्रेजेंट रहने की भी योजना है। और बाकी इस पर जो भी लेटेस्ट अपडेट्स रहेंगे तो हमारे अगले डिफेंस अपडेट में आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी और बाकी क्विक अपडेट्स के लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से भी एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो पाकिस्तान है वो अगले 3 महीनों में पोलैंड के माध्यम से यूक्रेन के लिए हथियारों के 3 और कंसाइनमेंट्स एक्सपोर्ट करेगा जिनमें 155 mm के आर्टिलरी राउंड्स एक्सपोर्ट किए जाएंगे और ये कंसाइनमेंट कराची से पाकिस्तान की ऑर्डनेंस फैक्ट्री से शिप किया जाएगा। और जबकि कल मंगलवार को रशिया के रक्षा मंत्री ने टॉप मिलिट्री ब्रास की मीटिंग में रशिया की स्टेट ओन टैक्टिकल मिसाइल कॉरपोरेशन को सारे कॉन्ट्रैक्ट्स टाइमली मैनर पर पूरा करने के लिए कहा है और इस बात पर भी जोर दिया है कि यह बहुत जरूरी है कि जो हाई प्रिसिशन वेपन्स हैं तो कम से कम समय में उनके प्रोडक्शन को डबल किया जाए। और बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1995 में असम में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर विक्रांत शास्त्री वीरगति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2008 में अरुणाचल प्रदेश में ऑपरेशन फैल्कन के दौरान नायक जिला प्रसाद तमांग ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि भारत का हाईएस्ट पीस टाइम अवार्ड कौन सा है। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।